सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपना भीम एप्लीकेशन अपडेट कर लिया है तो अब क्या दिक्कत आ रहा है कि लोग अपना बैंक बैलेंस नहीं चेक कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपना भीम एप्लीकेशन अपडेट कर लिया है तो अब आप अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे गाइज लोगों को बैंक बैलेंस चेक करने में बहुत सारा इशू आ जा रहा है, बैंक बैलेंस नहीं चेक कर पा रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि आप प्रॉपरली बैंक बैलेंस कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब चलिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आप भीम में अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए गाइस चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना भीम एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। सो अब देखिए गाइस, आप जैसे भीम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके भीम एप्लीकेशन का जो भी पासवर्ड होगा उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। सो अब गाइस जैसे आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके सामने तरह से पॉपअप आएगा, तो आप यहाँ रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक करेंगे और इस तरह से देखिए आपके सामने आपके भीम एप्लीकेशन का जो होम इंटरफेस होगा इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अब गाइस यहाँ पर जितने भी सारे यूजर हैं उनको यही दिक्कत आ रहा है कि अपना बैलेंस नहीं चेक कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि आप बैंक बैलेंस कैसे चेक करेंगे। तो अब देखिए गाइस आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको देखिए आपको यहाँ पर जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपकी भीम एप्लीकेशन का जो प्रोफाइल आइकन होगा वो यहाँ शो होगा। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइस जैसे आप प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके भीम में जो भी बैंक अकाउंट ऐड होगा वो बैंक यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके भीम एप्लीकेशन में बहुत सारे बैंक ऐड हैं तो फ्रेंड क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा वो बैंक यहाँ पे शो होगा। तो अभी आप उस बैंक पर क्लिक करेंगे। सो अब देखिए गाइस, आप जैसे इस बैंक पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए गाइस आपके भीम में वो सभी बैंक की लिस्ट ओपन करके आ जाएगी जो बैंक अकाउंट इसमें ऐड होगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके भीम में पहले से दो चार बैंक ऐड है तो यहाँ पे केवल एक ही बैंक से होगा। तो अब उसी बैंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी बैंक की लिस्ट ओपन करके आ जाएगी। जैसे कि यहाँ से देखिए मेरा दो बैंक था, तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका। तो अब गाइस यहाँ पर आप जिस भी बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन लगा चेक बैलेंस का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए मैं चेक बैलेंस पर क्लिक कर देता हूँ। सो अब गाइस जैसे आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके उस बैंक का जो UPI पिन होगा वो आप यहाँ एंटर करेंगे। UPI पिन एंटर करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपके बैंक में जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 134.42, मतलब गाइस यहाँ पे देखिए 134.42 यहाँ पे शो कर दिया गया है मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो इस तरह से गाइस आप बहुत इजीली आप भीम एप्लीकेशन के थ्रू अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। जिनको भी दिक्कत आ रहा था उस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।